आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। हम चले थे अकेला कारवा बनता गया, ये कहावत चरितार्थ हो रहा है दिलीप सिंह नामधारी पर। चले थे अकेला लेकिन कारवा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई नाम का मोहताज नहीं है, इनके पिता एक झारखंड के खासा मतलब कह सकते हैं एक अच्छे पहचान वाले नेता थे, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, डाल्टनगंज विधानसभा में लगभग 30 वर्षों तक विधायक भी रहे हैं, और अब उनके सुपुत्र दिलीप सिंह नामधारी मैदान में उतरे हैं चुनावी जंग में और पूरे गांव में लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। कैसा मिल रहा है लोगों से, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता, सभी दीवारें टूट रही हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो नारा ये लोग देते थे, हिंदू मुस्लिम का देते थे, सारी दीवारों को तोड़कर जनता सभी बाधाओं से मुझे बाहर निकाल रही है, और यही प्यार जो मिल रहा है मैं कैसे इनका ऋण चुकाऊंगा ये मैं कह नहीं सकता। एक पिता का जो किया हुआ कार्यशैली रहा है उसका कितना फायदा आपको मिल रहा है? सारा फायदा उन्हीं का मिल रहा है। मैंने तो ठीक है, उनकी जो ताकत थी, आपने जो ताकत दी थी जनता ने, मैंने उसका सदुपयोग किया। कोई भी मेरे पास समस्या लेके आया, मैंने उसके लिए काम करने की कोशिश की पिताजी के द्वारा ही, वही सब आज मुझे फायदा मिल रहा है। जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं, अभी एक महिला आपके सामने मिली कि मेरी बीमारी का उन्होंने इलाज कराया। कोई भी दुखी गरीब उनके द्वार पर गया है, पिताजी से मिला है, कभी निराश नहीं उन्होंने किसी को किया है, जो मुमकिन सहायता हो सकती है उन्होंने की है। एक सवाल है कि जैसे आप घूम रहे तो डिमांड आपसे क्या कह रहे हैं लोग आखिर, मतलब कि हाँ आप आइएगा? तो लोग यही कह रहे हैं कि विकास का काम 15 सालों से रुका हुआ है। दिलीप जी त्रिपाठी जी भी रहे, चौरसिया जी भी रहे, पर कभी भी वैसे जनता के बीच जाके उनकी समस्याओं को सुनना, उसका निदान करना उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। अब लहरों पर दोनों जीते हुए लोग हैं, उन लोगों से लोग तंग आ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है इस बार बहुत भारी परिवर्तन होगा। लोग कह रहे ना टफ फाइट है, कांटे का मुकाबला है, मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार जीतेगी और सब लोग हारेंगे। जनता की असली जीत होने जा रही है 13 तारीख को। एक सवाल, दोनों साइड में एक दोनों नेशनल पार्टी चुनावी मैदान में है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए कितनी तरह के काफिला है जो गांव में भ्रमण कर रहे हैं, और ये है हरिनामाड़, चैनपुर प्रखंड का हरिनामाड़, अब वहीं पर हैं दिलीप जी। दिलीप जी, दो नेशनल पार्टियां, दिलीप जी वहां अपने आप को कहां देख रहे हैं? मैंने आपसे कहा नेशनल पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं जी, पर जनता से बड़ा कोई नहीं है जी। ये पार्टियां जनता से, जनता पार्टियों से नहीं है, और जनता की ताकत जब जाग जाएगी तो बड़े बड़े सुरमा धारेशाही हुई हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो रिजल्ट आएगा ये पार्टियां देखती रह जाएंगी, और जनता एक निर्दलीय को अपना प्रतिनिधि चुन लेगी, अपना मुझे अपना आवाज़ बनाने की कोशिश करेगी, और मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बता, आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोग सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे हैं, जो होना चाहिए जो नहीं हुआ? देखिए, सड़कों का पापा जब से छोड़े, सड़कों, ग्रामीण सड़कों का बुरा हाल है। कोई, मैं तो घूम रहा हूँ, एक एक गांव में जा रहा हूँ, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में गाड़ी कहीं नहीं लग सकती है, 10 और 20 की स्पीड में गाड़ी हिचकॉलिंग खाते हुए चल रही है। बिजली की वही समस्या है, कहीं डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं डॉक्टर उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं बैठते हैं। हर चौर ब्लॉक में चले जाइए, थानों में चले जाइए, बिना पैसा के आपका जेन्युइन काम भी नहीं होना है। पैसा दे के आपको अपनी अगर ऑनलाइन म्यूटेशन भी चढ़ानी है तो उसमें पैसा देना पड़ेगा। कोई बात नहीं सुनने वाला है, ना जनप्रतिनिधि बात करने वाले हैं, क्योंकि उनमें ईमानदारी की कमी है। अगर ईमानदार होते तो इतनी समस्याएं जनता को नहीं होती। एक अंतिम सवाल, क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, क्या मतलब क्या अपील करना चाहिए? मैं बस एक ही कहूँगा कि 5 साल मुझे भी मौका दें। सबका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, आपने त्रिपाठी जी को भी देखा, चौरसिया जी को भी 10 साल देखा, और पिताजी का भी कार्यकाल देखा, आप तीनों की तुलना कर लें। उसके बाद एक बार मैं नामधारी जी का बेटा हूं, उनके नक्शे कदम पर चलूंगा, और जो प्यार और विकास वो कर बांट के गए हैं जनता में, उसको और स्ट्रांग करूंगा, उसको एक कड़ी के रूप में मैं पिरोऊंगा, यही मैं जनता से वादा करता हूं। दिलीप सिंह नामधारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है दिलीप सिंह नामधारी, इन्होंने कहा कि सभी दीवारें टूट रही है, हिंदू मुस्लिम हो या जात पात की, सभी दीवारों को तोड़कर ये बीच का, मतलब अगर नदियां बह रही है तो नदी के दम विपक्ष, मतलब विरोध में, मतलब नदी की धार के विरोध में ये चल रहे हैं, और लगातार
इनका जो है काफिला बढ़ता जा रहा है। इन्होंने ये भी बात कही कि जितनी भी विकास की बात की जाए, पिछले 15 वर्षों में विकास की जो बात लोग कर रहे हैं वो विकास एकदम रुक सा गया है। खासकर ग्रामीण सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, स्वास्थ्य की बात, तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पिताजी ने जो कार्य 15 साल पहले छोड़ा था, आज वही स्थिति बनी हुई है, उस पर विकास की गाथा नहीं गाया जा सकती है। कहा कि इस बार सभी दीवारें टूटेगी और इस बार जनता जीतेगी और जनता का होगा कहा विधायक, न कि किसी पार्टी का। जनता जिसे चुनेगी, जनता सब सर्वोपरि होती है, चुनाव में जनता ही जनार्दन है, इसलिए जनता ही चुनेगी। और तमाम पार्टियों को नजरअंदाज करते हुए एक निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप सिन्हधारी को चुनाव में जनता जिताएगी और विधानसभा भेजेगी, ताकि यहाँ की आवाज दिलीप सिन्हधारी बन सके। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज, हरिनामा।